हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो एंड एवरीबॉडी इज सो फायर्ड अप। एंड आज चलिए बात करेंगे पिछले एक महीने की और उसके बाद मई महीने की बात करेंगे जो कि आज से आपके इंडिया में शुरू हो रहा है। ओके, तो ये 2 महीने में क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और मई में क्या होने वाला है। ओके, तो पिछले अगर 1 महीने की बात करें, 30 मार्च को स्टार्ट हुआ था मार्केटिंग कैंपेन, बॉस्टन से शुरू किया था जो दुबई में शुरू हुआ था, एंड 30 अप्रैल। तो 1 महीने में बहुत कुछ ऐसा हुआ। मार्केटिंग हुई बुर्ज खलीफा पे, एवरी फ्राइडे हो रही है, और कुछ कुछ बीच में कुछ बड़े ओकेजन्स होते हैं तो उस पे कुछ हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो पिछले 30 दिन में एक ब्रांड बिल्डिंग अवेयरनेस हो रहा है बेसिकली ऑन पैसिव का, और उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है। ओके, विच मिस्टर ऐश वो कह रहे हैं कि ये कंपाउंडिंग एक एडवर्टाइजमेंट हो रही है जो लग भी रही है। ओके, जो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि एक के बाद ये सारा कुछ मतलब कि आप लोगों के सामने हम ऑन पैसे द्वारा किया जा रहा है। ओके, अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, आपको भी समझ आ रहे हैं, हमें भी सब लोगों को बेसिकली समझ आ रहे हैं कि ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ऑन पैसे के जिसके जरिए ये कंपनी लॉन्च हो रही है, इस दुनिया पे आ रही है। तो एडवर्टाइजमेंट, कंपाउंडिंग एडवर्टाइजमेंट, नए नए आई थिंक शब्द हैं ये वाले, जो कंपाउंडिंग एडवर्टाइजमेंट आई थिंक पहले किसने यूज नहीं किए ये शब्द, तो ऑन पैसिव कर रही है। ओके, बुर्ज खलीफा पे एड देने का मतलब आप समझ चुके हैं, उसको बार बार एक्सप्लेन तो करने की जरूरत नहीं है। कैसे ब्रांड बिल्डिंग हो रही है कंपनी की। एक और बहुत बड़ी बात जो हो रही है इस सारे ब्रांडिंग में, अगर हम मान लें पिछले 1 महीने में आपने देखा होगा और आज तक जो 30 अप्रैल तक हो चुका है, कि एवरी टाइम जब भी बुर्ज खलीफा के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती है तो वहां पे कुछ नया लिखा होता है। ओके, वो अगर आप गौर से देखोगे, कुछ प्रोडक्ट्स के कई बार बारे में बताया जाता है, कई बार ओ फाउंडर्स के बताया गया, आज ओ ब्लेस के बारे में बताया गया। तो हर एक बार कुछ ना कुछ वहां पे एक मैसेज जो होता है वो नया देने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो एवरी टाइम फ्रेश, जो ये फ्रेशनेस का एक एक मिस्टर ऐश ने ऑन पैसिव में आइडिया डाला हुआ है, ये आज का नहीं, जब 2018 में मैं भी जुड़ा था तो तब भी ऐश कहते थे कि कुछ ना कुछ फ्रेशनेस होती रहेगी ऑन पैसे में, जिसके जरिए जो कस्टमर होता है, जो भी कुछ चीज नई होती है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं या उसकी तरफ वो देखते हैं। तो ऐसा ही सेम हो रहा है, जो कहा गया था वही हो रहा है। कि ये बहुत बड़ी बात है, मैं कई बार एनालाइज करता हूं इन चीजों को कि जो 3 साल पहले या 3.5 साल पहले मिस्टर ऐश ने बोला था वो चीजें बकायदा हो रही हैं बेसिकली। तो इसलिए ऑन पैसिव के ऊपर जो विश्वास है वो थाउजेंड्स परसेंट और बढ़ जाता है हमारा, कि कुछ भी चीज यहाँ पे ऐसी नहीं बोली गई कि जो नहीं हो रही है। ओके, तो ये नया मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, इसलिए दे दिया जा रहा है क्योंकि वहां पे वो चीज को वॉच किया जा रहा है। ओके, एक लोगों के द्वारा नहीं, हजारों करोड़ों लोगों के द्वारा वो बुर्ज खलीफा पे जो एडवर्टाइजमेंट है उसको वॉच किया जा रहा है। वहां पे नए नए लोग होते हैं हमेशा, प्लस जो मॉल्स और जो सर्टन थिंग्स है वहां पे भी हो रहा है। तो एमआर जो कंपनी है वो बेसिकली बुर्ज खलीफा और कुछ और जगह पे कर रही है, इवन जो मॉल्स एंड कुछ और स्क्रीन्स हैं वहां पे एक और कंपनी भी है, वो भी उनका साथ दे रही है। ओके, तो ये बहुत कुछ इसके बीच में थोड़ा है, आने वाले दिन में और एश मिस्टर इस सबको आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे आई थिंक सो। ओके, तो 1 महीने में ये सारी चीजें हुई हैं, हमारे सामने में आया कि ब्रांडिंग कैसे होती है, एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रही है, और वो सारी चीजों को लेके नया फ्रेशनेस जो एक होती है कि अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को, वो भी साथ में होती जा रही है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देख ली 1 महीने में। तो अब ये अप्रैल का महीना था जो जहां पे ये सारा कुछ 1 महीने में हुआ, और ये आसान नहीं है बेसिकली, आपको भी मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है, ये चीजें करनी आसान नहीं है बेसिकली, अकेली एडवर्टाइजमेंट इस लेवल की बेसिकली। थोड़ी बहुत जो हम लोगों को मालूम है, आपको मालूम है, टीवी, न्यूज़पेपर्स, थोड़े मोड़े बिलबोर्ड्स या समथिंग लाइक दैट, अगर हम ऐसी ऐसी बातें अगर वहां पे सोचते हैं वो तो हमें मालूम है, बट इस तरह की का तरीके का जो एडवर्टाइजमेंट थिंग्स है वो आई थिंक पहले कभी नहीं देखी, और इस अगर हमने लोगों ने नहीं देखी दैट मीन्स करोड़ों लोगों ने और भी नहीं देखी वो चीजें।
ओके तो ये एक बहुत एक अच्छी चीज है, एक अच्छी जो बात हुई है ऑन पैसिव में या दुनिया को देखने के लिए, वो एक बहुत एक रिफ्रेशिंग चीज है, मैं ये कह सकता हूं। और जो पिछले 3 साल से सुना था वही ऐसा ही हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग हैपनिंग इनटू ऑन पैसिव। इसके अलावा जो अभी आने वाले दिनों में मई का महीना है उसमें भी बहुत कुछ होने वाला है। ओके अगर महीने महीने की बात करते हैं तो मई के महीने में एक्चुअली हमारा फोकस इंडिया में भी रहने वाला है। इधर तो रहेगा ही बुर्ज खलीफा एंड बाकी का, बट इंडिया किक स्टार्ट होने वाला है मई के महीने में। आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम चल चुका है, ओके आने वाले दिन में और मालूम चलेगा। कुछ फाउंडर्स इनिशिएटिव मार्केटिंग कैंपेन्स भी इंड्यूस किए जा रहे हैं आने वाले आई थिंक 2-3 दिन में। उसकी जो रूपरेखा है फाउंडर इनिशिएटिव जो मार्केटिंग कैंपेन है उसको आपके सामने आ जाएगी। वो मिस्टर ऐश ने भी शायद आज के जो कल वेबिनार हो उसमें भी उसको थोड़ा टच किया। प्लस इंडिया में जो बाकी एज एन होल इंडिया जो कंपनी की तरफ से ऑन पैसिव की तरफ से एडवर्टाइजमेंट एक दौर शुरू किया जा रहा है तो वो भी किक स्टार्ट होने वाला है मई के महीने में। ओके मे बी न्यूज़पेपर्स, मे बी बिलबोर्ड्स, मे बी टीवी एड्स, मे बी वो क्या है एक्चुअल में आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मिस्टर ऐश आके उन सारी बातों को क्लियर करेंगे। तो व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, ओके बिकॉज मार्केट कहाँ कहाँ है इसको थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए चीजों को, आपको थोड़ी समझ आएगी। ओके कि वेयर वी गो, वेयर वी गो टू द मार्केट्स, जहां पे मार्केट है वहां पे हम जाते हैं। तो पहले अगर दुनिया को बताना था तो हम गए दुबई, वहां से चीजें चलती हैं दिखती हैं बेसिकली। तो वो चीजें हुई आपने देखा है मार्च के महीने में वो चीजें हुई। नाउ वी कम टू इंडिया आल्सो। इंडिया क्यों? बिकॉज वी आर हम लोग 1.3 बिलियन 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की। दैट मींस वी हैव ए ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग द कस्टमर्स, हमारे जो कस्टमर है वो ज्यादा होंगे ओके वहां पे क्योंकि मार्केट है। नाउ अगर ये चीज हम प्रूव पहले भी कर चुके हैं किसके जरिए? फाउंडर्स के जरिए। फाउंडर सबसे ज्यादा किस कंट्री में है? इंडिया में। सो दैट मींस अगर आने वाले दिनों में कस्टमर सबसे ज्यादा होंगे कहां पे होंगे? वो भी इंडिया में होंगे। ओके नाउ वी अंडरस्टैंड क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा ही मार्केटिंग एंड चीजें जो बिक्री कह लो या जो भी है वो होता है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये बहुत पुरानी बात है आई थिंक 10-12 साल पहले की शायद बात है। मिस्टर अब हमारे जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो यहाँ पे एक बार वैंकूवर आए थे। ओके जब वो प्रेसिडेंट थे एक्चुअली में वहां तब आए थे, तो तब किसी पत्रकार ने उनको ऐसे सवाल पूछा कि मिस्टर प्रेसिडेंट कि आप ठीक बहुत पॉपुलेशन आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, इसका आपको इंडिया को बहुत इफेक्ट होता है और बड़ा एडवर्स एक चीज है कि ओवर पॉपुलेशन हो जाना किसी कंट्री में। तो देखिए वो कितने अच्छे इंसान थे मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और जो हम पॉजिटिविटी की हमेशा बात करते हैं एक ही चीज को हम उसी तरीके से नेगेटिव भी ले सकते हैं, एक ही चीज को उसी तरीके से हम पॉजिटिव भी मतलब कि उन चीजों को देख सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वहां पे आंसर दिया कि ठीक है ये आप कह रहे हो कि ओके इतनी पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल करना चाहिए, तो कहता हमें मालूम है ठीक है हम भी कर रहे हैं कंट्रोल होती है वो एक जिम्मेदारी भी होती है किसी कंट्री की, बट इसको आप इस वे में मत लो, इसको हम इस वे में लेते हैं कि हमारे पास उतने ज्यादा कस्टमर हैं। उन्होंने सीधा बोला हमारी इंडियन कंपनीज हैं या जो लोग वहां पे बिजनेस करते हैं तो उनके पास उतने ज्यादा कस्टमर हैं। तो उन्होंने सीधा बोला कि देखिए अगर आपके वैंकूवर में या इधर कोई शॉप है या मॉल है फॉर एग्जाम्पल वहां पे 100 लोग आते हैं तो, बट अगर हमारे इंडिया में वही चीज है तो वहां पे 10,000 लोग आते हैं। तो सीधा डिफरेंस, उतने ज्यादा कस्टमर उतने ज्यादा मनी लोगों में, मार्केट में उतनी ज्यादा मनी होगी, उतना सर्कुलेशन होगी मनी की वहां पे बिजनेसेस में। तो ये कस्टमर होते हैं जो कि एक कंट्री, और उतनी हमारी बड़ी जीडीपी होगी हमारी, तो वो कई चीजें उन्होंने बीच में से बोली। तो वही चीजों को उन्होंने एक पॉजिटिव वे में उनके सामने भेजा और वो सब लोग सुन के जवाब दंग रह गए थे कि यस पॉपुलेशन या जो कस्टमर बेस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है किसी कंट्री को ग्रेट बनाने में। तो पहली बार पत्रकारों और वो बहुत वहां पे तालियां उन्होंने बजाई। तो दिस इज द सिचुएशन बेसिकली कि अगर पॉपुलेशन है हमारे पास कस्टमर है, वो हमारे ही फायदे के लिए, हमारे बिजनेसेस के फायदे के लिए, इंडिया के लिए वो काम भी कर रहे हैं वो चीजें।
ओके तो एक तरफ से अगर पॉपुलेशन हम कुछ लोग नेगेटिविटी से देखते हैं, बट उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है इंडिया के बिजनेस एज ए होल, एज ए जीडीपी में कह लो या जो भी हम लोग उसको मान सकते हैं, तो उसमें कह सकते, बहुत बड़ा एक पॉइंट है। तो ऑन पैसिव के भी सबसे ज्यादा जो फाउंडर हैं वो इंडिया में है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है। ऑन पैसिव के आने वाले दिनों में कस्टमर कहाँ होने वाले, वो भी इंडिया में होने वाले हैं। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। और ऑन पैसिव क्योंकि एक वो एंटिटी बन चुकी है जो कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बनने वाली है, चीजें आपके सामने आने वाली हैं। बेसिक तौर पे प्रैक्टिकल तौर पे कह सकते हैं हम लोगों के सामने चीजें आएंगी, प्रोडक्ट सामने आएंगे, फिजिकल प्रोडक्ट सामने आएंगे, डिजिटल प्रोडक्ट सामने आएंगे, एडवर्टाइजमेंट आप होते हुए देखोगे। तो जब ये चीजें हो रही होंगी देन स्काई इज द लिमिट। क्यों? क्योंकि वही फिर बात आई थी कि कस्टमर कहाँ आता है, जहां पे कुछ नया होता है, और वो हमने देख चुके हम सब लोग। फेसबुक आई कस्टमर, व्हाट्सएप आया कस्टमर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या कोई नया प्रोडक्ट आता है कस्टमर। ये नई बात नहीं है, ये पहले भी ऐसे ही होता है, बट यू नीड ए प्रॉपर स्ट्रेटेजी। और वो स्ट्रेटेजी जो ऑन पैसिव अपना रहे हैं वो आज तक किसी ने नहीं अपनाई। ओके, आपने ये एडवर्टाइजमेंट के तौर पे एंड कंपाउंडिंग एडवर्टाइजमेंट जो कि नया टर्मिनोलॉजी है एक, उसके द्वारा आप जो सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो हमारे पास कस्टमर ज्यादा होने वाले हैं, मई के महीने में किक स्टार्ट होने वाला है बहुत कुछ ऑन पैसे में। 20th मई को तो आपने सुन लिया मिस्टर एस ने का, बहुत कुछ और भी बड़ा होगा, कोई इवेंट है आपको टाइम पे बताया जाएगा बेसिकली। ओके, बट उससे पहले 28 से पहले कुछ और भी होने वाला है इंडिया में। ओके, एक तो छोटा सा आपको मैंने हिंट दिया कि फाउंडर्स इनिशिएटिव मार्केटिंग कैंपेन है एक, वो कैसे होगा आपको 2 या 4 दिन में आपको वो मालूम चलने वाला है। ओके, फिर उसके बाद जो टीवी एंड जो बाकी चीजें हैं वो आपके सामने आप खुद देख पाओगे। नाउ इमेजिन फॉर ए सेकेंड, ऑन पैसिव टीवी पे है, ऑन पैसिव न्यूज़पेपर्स में है इंडिया के, आप देखिए इम्पैक्ट क्या होने वाला है। वो जो लोग बातें करते हैं या कुछ भी एनी हो, तो वो देखिए उनके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट होने वाला है। यस, वो अब कहेंगे हाँ अब रियल है ऑन पैसे, वो ऐसे ऐसी बातें करेंगे। तो ऐसे ही होता है बेसिकली, ऐसे ही कुछ लोग पहले किस चीज को पकड़ लेते हैं, कुछ बाद में आते हैं, कुछ और बाद में आते हैं, कुछ और बाद में आते हैं, ऐसा ही होता है, ऐसे ही माइंड सेट तो होते हैं। तो इसमें कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है, बट जो अर्ली आ जाएंगे उनको बहुत फायदा होने वाला है ऑन पैसे में। ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको मालूम है उस चीज में। इसीलिए हम लोग 6 लाख हैं वहां पे, तो 6 के 6 लाख जो आए हैं दे आर लाइक सेट फॉर देयर लाइफ, गारंटेड। ओके, ये गारंटी है बिल्कुल। ओके, अब इसके बाद ये सारा कुछ होगा तो आप वॉच करिए इस चीज को। और एक छोटा सा मैसेज मैं अपने यूट्यूब जो भाई हमारे फाउंडर हैं उनको थोड़ा सा देना चाहता हूँ। प्लीज कुछ थंबनेल्स आप पता नहीं क्यों ऐसे बनाते हो, प्लीज आप मत बनाओ कि ओके लॉन्च हो गई हो रही है अभी। आप मैं रिसेंटली इस वीडियो को पहले भी थंबनेल देख रहा था, ओके 28 मई को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्लीज स्पेकुलेशन मत कीजिए, आपके जब चीज सामने आएगी उसको तब वीडियो बनाइए, तब ऐसी चीज एक जो थंबनेल है उसका वो बना के उसको दीजिए। प्लीज स्पेकुलेशन में जाने कोई फायदा नहीं, प्रैक्टिकली तौर पर उस चीज को देखिए आपके सामने, फिर उसके ऊपर वैसे ही वीडियो बनाती हूँ, नथिंग टू वरी उस पर। बट स्पेकुलेशन मत कीजिए कि पहले आप 30 आपने देखा होगा, आप अपने अपनी ही वीडियो के पीछे वाले जो थंबनेल्स हैं वो उठा के देखिए, 30 जो मार्च का हुआ है तब आपके थंबनेल क्या थे वो भी देखिए, वो भी ऐसे लॉन्च हो रही है, बोनस बढ़ जाएगा, क्या मिस्टर ऐश ने बोनस की बात की नहीं की, तो आप क्यों कर रहे हो। ओके, तो थोड़ी चीजों को देखिए, जो कंपनी बोल रही है उसको देखिए वहां पे, ठीक है, वो क्या अचीवमेंट फंक्शन के जरिए कुछ होने वाला है, क्या होना है, तो वो चीजों को लाके वही थंबनेल बना कीजिए। 28 तारीख को क्या होने वाला है, अभी भी मैं देख रहा हूं कुछ वीडियोज आई है, ये हो जाएगा लॉन्च हो गया, तो ऐसा मत कीजिए। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल चीजों में देखिए, आपके जब सामने आए जैसी मर्जी वीडियो बनाओ, फिर वो आप बना सकते हो, मे बी उसमें लॉन्चिंग बात हो फिर बनाओ, लॉन्चिंग बात पूरा डाल दो उसमें, बट उससे पहले कुछ अपने दिमाग से मत लगाओ। आपने खुद देख लिया ऑन पैसिव कितनी बड़ी है, किस लेवल पे डिस्ट्रप्टिव तरीके से काम कर रही है ऑन पैसे, तो ये बहुत बहुत सारी चीजें हैं जिस जो कि आपको एज ए गुड फाउंडर, अच्छी तरीके जो एक चीज को समझने वाला फाउंडर है वो बनिए प्लीज। ओके, उसका मैं बार बार फिर भी वही बात कहता हूं कि आपका जो बिहेवियर पैटर्न है बेसिकली एज ए फाउंडर वो भी वॉच किया जा रहा है। ओके, तो आने वाले महीनों में आने वाले चीजों में अगर वो बिहेवियर पैटर्न आपका जज कर रही है ऑन पैसे, तो आप देखिए दैट मीन्स ऑन पैसे पूरी अलर्ट है,
ऑन पैसे को मालूम है उसके फाउंडर जो सोशल मीडिया पे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कौन अच्छे से सारा कुछ कर रहा है। तो एक मिस्टर ऐश ने, मैं कोई अपने अपने उससे नहीं बोल रहा, पिछला वेबिनार निकाल लीजिए, उसका पिछला वेबिनार निकाल, तो थोड़े थोड़े पार्ट इस चीज के टच किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि जो आपका बिहेवियर पैटर्न है ऑन पैसे में सभी फाउंडर्स का, वो भी टीम है जज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कंपनी बन रही है बेसिकली, जहां पे इतने लोग हम सब मिलके काम कर रहे हैं और इन चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। हरेक एक फाउंडर का एक्चुअल में रोल है इसमें, अगर हम दूसरी तरह से इसको बोलें कि हरेक फाउंडर का अपना अलग से एक रोल है इस कंपनी को अपलिफ्ट करने के लिए, इसीलिए ही कंपनी इतनी बड़ी बन रही है बेसिकली। ओके, ये तो कोई भी कंपनी को इतना दूसरा आदमी को इतनी पेन लेने की जरूरत नहीं कि ये कंपनी ठीक है बनेगी, इसमें नौकरी कर लेंगे या वो कर लेंगे, वो उस लेवल के जो माइंड सेट है कभी होता ही नहीं है। हमने भी नौकरी की, आप लोग ने भी नौकरी कर रहे होंगे कि वो ठीक है कंपनी है, आप वहां काम कर रहे हो, इसी पर जो दिल से काम हो रहा है बेसिकली, दिल से चीजें बन रही है वो ऑन पैसे में ही बन रही हैं, और ऑन पैसिव को के जो फाउंडर हैं वो भी दिल से यहां पे काम कर रहे हैं सारे के सारे लोग। और इसीलिए जब हम सोशल मीडिया पे कुछ चीजें ऐसी डालते हैं या करते हैं या बोलते हैं, तो एक बड़े उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप भी बोलिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फैक्ट्स हैं बेसिकली अच्छे वाले वही वहां पे लाइए जो एक्चुअल में बोला गया है, तो अपने मन से कुछ ऐसा मत बोलिए। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे, उसको फैक्ट्स पर लेके। एनीवेज, तो ये सारी चीजें हैं। अप्रैल हैज गॉन, बहुत बढ़िया रहा अप्रैल, बहुत कुछ हुआ। मई आ चुका है। ओके, मई में आपको बोला एज ए इंडिया के तौर पे अगर हम देखें तो वो हमारा फोकस रहेगा, काफी काफी मिस्टर ऐश का भी रहने वाला है, एंड उसके बाद जो इवेंट्स हो रही हैं बेसिकली, देन जून में और कुछ बड़ा है। ओके, तो दिस इज अ लॉन्चिंग प्रोसेस है, आई थिंक आप समझ रहे हो बेसिकली क्या क्या हो रहा है, और ऐसे करते करते ये लॉन्चिंग प्रोसेस ये एक दिन बहुत बड़ा होने वाला है जहां पे योर ईयर्स आर गोइंग टू पॉप। ओके, तो ये ऐश ने बोला भी है और ये ऐसे ही होगा, और क्योंकि जो विजन है वो ऐसे ही बनाई गई है, वो ये नहीं कि अब बोल रहे हैं, वो 2018 से जब स्टार्ट हुआ तब की विजन है ये बेसिकली। आई थिंक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली छोटी सी, पैसिव इनकम जो है, ओके, वो उसकी क्लिप निकालो, 1.5 मिनट की है शायद, आई थिंक उसमें भी ऐश ने क्या क्या बोला है कि पैसिव का मतलब तो समझाया उसने, और उन्होंने बोला क्या है कि यस वी डू द वर्क, आई एम डूइंग द वर्क, आप उसको एंजॉय कीजिए प्रोसेस को और उसके फ्रूट्स लीजिए। ये 2018 की बात है, वो बोला था। आज उसको थोड़ा रिलेट करके देखिए वो छोटी सी क्लिप को, इसलिए मैंने डाली थी कि 2018 में यही बात बोली गई थी, हम लोग काम कर रहे हैं, काम हम करेंगे, आप लोग आइए साथ दिए एंड एंजॉय द प्रोसेस, सिंपल एक टर्मिनोलॉजी ऑन पैसे की। तो वर्क पीछे हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट जो हुई है बुर्ज खलीफा पे आपने देख ली है, इट इज नॉट ए इजी जॉब, ऐसा कुछ करना इज नॉट इजी। आज भी के वेबिनार में शायद आपको उसको थोड़ा सुनिए क्या कहा मिस्टर ऐश ने, कि जो एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस है बेसिकली, तो बहुत से जो कंपनियों का बजट होता है उतना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जो कुछ वहां पे हो रहा है वो बजट बहुत सारी कंपनियों का वो एक्चुअल में बजट होता है, जो कि जस्ट हम एक एडवर्टाइजमेंट उस चीज को इतने, सो यू कैन अंडरस्टैंड कितने मिलियंस ऑफ डॉलर लग रहे हैं वहां पे टू ओनली बिल्ड अ ब्रांड। अभी जस्ट ब्रांड बिल्डअप हो रहा है, ओके, तो उसको करने के लिए अगर कंपनी इतना कुछ करे तो देखिए बाद में क्या होने वाला है। तो स्टे ट्यून, मई का महीना, वी आर गोइंग टू रॉक, मई के महीने में इंडिया इज गोइंग टू रॉक, नया कुछ दिखने को मिलेगा इंडिया में, आपको कैंपेन्स इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे कुछ दिन पहले, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे कि इंडिया में क्यों नहीं, तो इंडिया इज रेडी फॉर द कैंपेन्स, फाउंडर्स आर रेडी फॉर द कैंपेन, एंड टीवी, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड, दिस थिंग दैट थिंग, जो भी है आप आंख बनाए रखिए वहां पे, देखते रहिए ऑन पैसिव एक पूरे ब्लास्ट के साथ ये सारी चीजों को बिल्डअप कर रही है, और जिस दिन बिल्डअप हो गया उस दिन ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, देखते रहिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लीजिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही सबके साथ शेयर कीजिए। तो नमस्कार, आपको 2-4 दिन में कुछ फाउंडर्स इनिशिएटिव क्या है वो बताने वाले हैं, तो उसके स्टे ट्यून्ड, निगाह रखिए वीडियोस पे भी, इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी, एंड दैट विल बी आल्सो बी अ ग्लोबल इवेंट वो वाली। ओके, तो वॉच करिए उसमें क्या होने वाला। सो थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।